नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। बालूमाथ प्रखंड के बिशुनपुर गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, एक ग्रामीण को पटक कर मार डाला। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के मारंग लोहिया पंचायत के बिशनपुर गांव स्थित थलिया टोला में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए ग्रामीण को पटक कर मार डाला। घटना के बारे में बताया जाता है कि थलिया टोला निवासी महादेव गंजू 60 वर्ष के पिता लगन बैल चराने के लिए बुधवार को दोपहर में जंगल की ओर गया था। जब देर रात होने के बाद वो घर नहीं लौटा तो परिजनों के खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अगले दिन सुबह थलिया टोला से 1 किलोमीटर दूर महादेव का शव छत विछत हालत में मिला। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और परिजनों को तत्काल मुआवजा के रूप में 40,000 नगद और 3,60,000 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देने की बात कही है। घटना की जानकारी मिलते ही बालूमाथ भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, भाजपा एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, सांसद प्रतिनिधि रामदेव साव, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान समेत कई लोगों ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। बता दें कि बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुचल कर मार डाला गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ की फसलों को नुकसान पहुँचाया गया है। इतनी रात की घटना, 1 तारीख को एक जंगली हाथी थोड़ा जंगल से सटे हुए क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनको चपेट में ले लिया। और ये थलिया है टोला बिशुनपुर का, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहले जागरूक बना रहे हैं लोगों को कि नहीं, आप जंगल से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये हाथी थोड़ा हिंसक हो गया है। बंगाल की टीम 2 बार आई थी, विफल रही, लेकिन इस बार बंगाल टीम का भी कहना था कि जैसे ही चारों तरफ सूखा हो जाता है, धान वगैरह कट जाते हैं, उसके बाद वो आएंगे और फिर से एक बार प्रयास करेंगे, इस क्षेत्र से दूर भगाएंगे। क्योंकि अभी तत्काल व्यवस्था में आप लोग क्या उपलब्ध करवा रहे हैं ग्रामीणों को? तत्काल व्यवस्था में थलिया टोला में अभी 10 टॉर्च शाम तक यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं, और मोबाइल बिस्लेटर और बाकी रोड वगैरह मसाल वगैरह हम उपलब्ध करा देंगे शाम होने तक। और हाथी भगाने को लेकर? हाथी भगाने को लेकर हम लोग पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं कि वो बंगाल टीम को जल्द से जल्द बुलाएं। जैसे गरु भितारा तो नहीं था, तो फिर आया खोजने के लिए, तो शाम हो गया मतलब धुंधरो। उसके बाद में आया तो हम घर में तो नहीं थे, खरियान थे, उधर से फिर आए तो ढूंढे, फिर ढूंढे तो नहीं मिला, तो फिर हम सोचे कि रात भर में कहाँ है, तो फिर आए सुबह तो देखे, तब फिर किए अपना गांव में हल्ला किए, तो सब फिर आए आज सुबह पता चला। हाँ, सुबह देखे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।